अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुबह बहर पाकिस्तान मॉर्निंग शो पे आपकी मेज़बान आपकी होस्ट आया थान आपको वेलकम कहती हैं। और जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज हैप्पी फ्राइडे सबको, जो जो लोग मुझे देख रहे हैं यकीनन अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आज हाफ डे है और आधे दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम कर सकते हैं, जो कि पेंडिंग होते हैं, क्योंकि बहुत से दफ्तरों में, बहुत से स्कूल्स में, कॉलेजेस में आधे दिन के बाद छुट्टी हो जाती है और जुम्मे का दिन है। बहुत से लोगों ने आज जुम्मा भी पढ़ने जाना है और ये बड़ी अच्छी बात है जी। जुम्मे वाले दिन स्पेशली नहा धो के, अच्छा सा तैयार हो के, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जुम्मा पढ़ने लाजमी जाएं, जुम्मा मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि जुम्मा बेहद ज़रूरी है। और जी जब भी आप कोशिश करें कि जब जुम्मा वाले दिन हो तो आप जुम्मे को मिस ना करें। और जी आज आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे कि कोरोना की वजह से बहुत सारी जगह जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, इलाके अफेक्ट हो रहे हैं, लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपने अपना ख्याल लाजमी रखना है और SOPs को फॉलो करना है, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर्स और बाकी भी जो प्रिकॉशंस हैं बहुत सी काम वाली जगहों पर वो बेहद ज़रूरी हैं। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जी क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल्स पे जा रहे हैं और काफ़ी सारे मसाइल देखने को आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं और स्कूल सिस्टम वाले भी, उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो सिस्टम है उसको बेहतर चलाया जा सकता है। क्योंकि छोटे बच्चों को कंट्रोल करना, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। तो आज जो हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे वो हमें बताएंगे कि किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है और अभी जो जो कि सेकेंड वेव आ रही है कोरोना की, उस पर किस तरह से हम बेहतर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और साथ हमें जो हमारे दूसरे गेस्ट ज्वाइन करेंगे वो हमें बताएंगे कि ये जो बढ़ता हुआ बदलती हुई तब्दीली है और चेंज आ रही है मौसम में, सर्दी हो रही है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी नेक में पेन, कभी शोल्डर में पेन, या कोई भी इस किस्म के आपके मसाइल हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि हम उनसे किस तरह से उनके साथ कोप कर सकते हैं, किस तरह से उनको बेहतर कर सकते हैं और क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए। और जी क्योंकि करोना है आप लाजमी परहेज़ करें, ये बेहद ज़रूरी है। और जी हम अपने गेस्ट की जानी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यही कहते चलें कि जी सर्दी का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में आपने बहुत परहेज़ करनी है, स्पेशली जब आप नहा के बाहर निकलते हैं। पहले तो आप कोशिश करें कि आप गर्म पानी से नहाएं, और अगर आप गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, सर्दी ठंडे पानी से नहाते हैं सर्दी में तो सर्दी लग जाती है, तो आपने फ़ौरन नहाने के बाद जो है वो बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उससे जो है हवा लग जाती है और जब हवा लग जाती है तो छींकें भी आती हैं और नज़ला ज़ुकाम भी होता है। और क्या है कि बहुत सारे लोगों को आजकल फ्लू हुआ है, तो प्लीज़ अब अपना ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो बाकी सारा सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। अपनी गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जमीन अवान साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं शो पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है। जी सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं शो पे। थैंक यू, बहुत और जी इसके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोइज अंजुम ने, जो कि फिजिकल थेरापिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल बेहतरीन। जी कैसा चल रहा है सब कोविड में? बस अभी तो शुरू हुआ है, कोविड की नई लेयर स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर दोबारा से जो है पेशेंट्स कोविड के वो स्टार्ट हो गए हैं आना हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए सारा कुछ करके हम काम रोका नहीं है। सबकी रिहेबिलिटेशन अलहमदुल्ला चल रही है और भरपूर चल रही है। राइट, तो मुझे ये बताएं कि आजकल किस किस्म के पेशेंट्स जो हैं वो क्या मसाइल लेके आ रहे हैं आपके पास? अगर हम कोविड रिलेटेड बात करें तो कोविड से तो रिलेटेड जो लोग कोविड के बाद जो ठीक होते हैं उनको मसल फटीक बहुत ज़्यादा हो जाती है। राइट मसल फटीक के पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन जनरली अभी क्योंकि बदलता हुआ मौसम है जिसमें मेन चीज़ जो है वो लोगों को कमर का दर्द और सर्वाइकल पेन, गर्दन का दर्द, उनके मोरों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर और इस तरह के पेशेंट जो हैं जनरली वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर। राइट, तो पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि फिजिकल थेरेपी है क्या? फिजिकल थेरेपी एक्चुअली बिल्कुल बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि फिजिकल थेरेपी है क्या। फिजिकल थेरेपी में एक्चुअली ये फिजिकल मेथड्स हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज टू ट्रीट द स्पेसिफिक डिजीज़, इसमें हम फिजिकल थेरेपी को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर्स, आपका नर्व स्टिमुलेटर्स, फिर अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती हैं जिससे हम पेन को रिलीव करते हैं और उसको ऐसा रिलीव करते हैं कि वो दोबारा रिवोक ना हो, दोबारा वो पेन आए ना उस तरह का। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन से कंपेयर अगर हम किया जाए तो फिजिकल थेरेपी इज़ अ बेटर ऑप्शन टू ट्रीट योर पेन एंड हील योर सेल्फ।
राइट और ये कैसा ट्रीटमेंट है जो कि विदाउट मेडिसिंस होता है, एम आई बिल्कुल राइट? बिल्कुल मतलब इस पे मेडिसिंस का इस्तेमाल नहीं होता और हम बड़े अच्छे तरीके से जो है एक्सरसाइज के जरिए, बिल्कुल मालिश के जरिए जो है अपने जो भी मसाइल हैं हड्डियों के, जोड़ों के जो दर्द है, स्वेलिंग है, इस तरह की अगर आपको कोई खुदा न खास्ता इंजरी हुई है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को आप अवेल कर सकते हैं। और हमारे साथ जमीर अवान साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि मुझे ये बताएं क्योंकि ये लॉकडाउन को, कोरोना को तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बैडली इफेक्ट हुआ है और इकॉनमी भी बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोरोना जो है कोई नई चीज़ नहीं है, वबाई अमराज हमारी हिस्ट्री में आती जाती रही हैं। स्पेनिश फ्लू था और बहुत सी इस किस्म की वबाई बीमारियां माजी में भी आई हैं और इंसानियत ने सबको फेस किया है। कोरोना जो है बहुत ज़्यादा मोहलिक नहीं है, अमवात इसमें कम होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैलता है, ये एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वरना इसमें मोहलिकपन कम है। इसके असरात पूरे माशरे में पड़े हैं, पूरी दुनिया में पड़े हैं, कोई मुल्क कोई माशरा ऐसा नहीं है जिस पे इसके नेगेटिव असरात ना पड़े हों। एजुकेशन सिस्टम भी इसे मुतासर हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ स्कूल कॉलेजेस काफ़ी अर्सा तक बंद रहे जिससे बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हुआ। हमने कंपनसेट करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मसाइल हैं, जो फिज़िकल ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं उसकी नस्बत ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, और बहुत से काम ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते। मसलन मैं चूँकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हूँ और ख़ुद मैं इंजीनियर हूँ, तो हमारे बहुत से काम लेबॉर्ट्री में रिसर्च के और प्रैक्टिकल्स के होते हैं जो ऑनलाइन मुमकिन नहीं है। थ्योरेटिकल चीज़ें हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या जो रिसर्च है स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो ऑनलाइन मुमकिन नहीं है। तो इसका इम्पेक्ट तो हुआ है, हुकूमत ने भी इस पर काफ़ी अच्छा नोटिस लिया है। एक तरफ तो हमने ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी इम्प्रूव की है, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया है, और बहुत सी हिंड्रेसेस अभी भी हैं। बहुत से इलाके ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जहाँ बिजली नहीं है, अगर बिजली है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही, अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से हो सकती हैं? तो मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, क्या इससे कोई फायदे भी हैं या आप क्या इससे सेटबैक्स देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों को इससे क्या जो है नुकसान हो रहे हैं? देखिए, ये ऑन कैंपस क्लासेस का नेमल बदल नहीं हो सकता, लेकिन अब हमने कोरोना के साथ जीना सीखना है। कोरोना जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, अब जो कुछ भी होगा कोरोना के साथ ही होगा, तो हमें जो मजबूरियां हैं और जहां कंप्रोमाइज़ करना होगा हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम तालीम को बिल्कुल तर्क कर दें और बंद कर दें, तो ऑनलाइन हमने फिर भी जारी रखना है। ये गो के बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई हमारे पास और चॉइस भी नहीं है। Right. तो हम एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी बेहतर हो, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो, इंटरनेट की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ हम ये दुआगो हैं कि कोरोना जल्दी ख़त्म हो और बच्चे जो है अपनी रूटीन की एजुकेशन को जारी रख सके। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि जो फिज़िकल थेरेपी है ये किस किस तरह से हमारे ट्रीटमेंट्स में कहाँ कहाँ काम आ सकती है, हमें किस तरह के मसाइल हों तो हमें फिज़िकल थेरेपी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेसिकली फिज़िकल थेरेपी के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं इसमें तो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं, क्योंकि बेसिकली हम अपने नाज़रीन को ये इस चीज़ से अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि फिज़िकल थेरेपिस्ट का मकसद क्या है। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो उनको बताएं कि किन अलामात में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आपको तब जाना चाहिए जब आपको कमर का दर्द हो, जब आपको शैटिका आ जाए, जब आपका फ्रोजन शोल्डर हो, मतलब जिसमें आपका कंधा जाम जिसको आप उर्दू में कहते हैं वो आ जाए। फिज़िकल थेरेपी तब होती है जब किसी को फॉलेज हो जाए या किसी कोई स्पेशल चिल्ड्रन की कोई उसकी रिहैबिलिटेशन करनी हो, तो उसके अंदर फिज़िकल थेरेपी को यूज़ होती है। बेसिकली फिज़िकल थेरेपी के अंदर आपने अगर अपनी फिज़िकल फिटनेस का भी ख्याल रखना है तो एक फिज़िकल थेरेपिस्ट वो एक अच्छा ट्रेनर भी हो सकता है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए। तो फिज़िकल थेरेपिस्ट जो अगर आपको बॉडी के अंदर कहीं भी मस्कुलर एक्स आ रही हैं, मस्कुलर एक्स के अंदर आपका अगर नी में प्रॉब्लम आ रही है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो उसके अंदर भी फिज़िकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल है उसको हील करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे जो नाज़रीन है ज़्यादातर यही मसला देखने में आता है कि जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, बिल्कुल गर्दन पे दर्द, और अभी बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही सर्दियाँ आ रही हैं तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली अगर कोई खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं चोटें लगी हैं, तो वो पुराने दर्द भी निकल आते हैं। बिल्कुल तो उसमें ये जो फिज़िकल थेरेपी है किस हद तक मददगार साबित होती है? फिज़िकल थेरेपी का इसके अंदर बहुत मेजर रोल है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखे रखें, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होते हैं उसके बाद भी फिज़िकल थेरेपी को एड ऑन उसके अंदर करना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली होता यह है कि फिज़िकल थेरेपी जो है वो आजकल लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं दी जा रही है और लोग जो हैं वो सिर्फ मेडिकेशंस के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर उनको पेन्स आ रहे हैं तो वो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर सिर्फ मेडिकेशंस खा लेते हैं, जो कि इनफ नहीं होती। मेडिकेशन इटसेल्फ इज़ अ नेगोशिएशन विद योर पेन्स, मतलब वो आप प्राइम कॉज को आप नहीं उसके अंदर आप डील करते। उसके अंदर यह है कि आप बस नेगोशिएट कर लें उसके साथ, आम अल्फाज में कह लें कि आप किसी को पैसे दे के उसका मुँह बंद करवा देंगे, तो यही आप पेन में भी इसी तरह है कि आप उसको पेन किलर्स खाएंगे और वो थोड़ी देर के लिए पेन रुक जाएगा, लेट्स से फॉर 8 आवर्स, लेकिन उसके बाद वो पेन दोबारा से रिवाइव कर जाता है और वो पेन आपके साथ साथ चलता रहता है। और फिर पेशेंट जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पेन को लिंगर ऑन करते जाते हैं, जो फिर मजीद जिसमें जो है कोई नई बीमारी। बिल्कुल, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि जो पेन किलर्स हैं वो इस मसले का हल होता है कि आपको कहीं दर्द निकले तो आप पेन किलर्स खाते रहें, लेकिन मुसलसल पेन किलर्स खाने से एक तो आपके ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और दूसरा ये कि वो दर्द मुकम्मल तौर पर कभी भी ख़त्म नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और जी फिज़िकल थेरेपी है, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो विदाउट मेडिसिन होती है और आप किसी बड़े ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। ये बहुत सी जगहों पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन का दर्द है या शोल्डर्स पे पेन है, तो काफ़ी जगहों पर आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। और अगर आपको कहीं सोजिश है, कोई आपने इस तरह का ऑपरेशन करवाया जिसके बाद आपको स्वेलिंग हो गई है, मूवमेंट में मसला है, चलने में मसला है, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये फ़ायदेमंद साबित होता है। इस पर हम डॉक्टर साहब से मज़ीद बात करेंगे। और हमारे साथ ज़मीर अवान साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जैसे कि कहा जाता था कि गर्मियों में कोरोना जो है उसके जरासीम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे गर्मी की हीट की वजह से, लेकिन अब सर्दियां आ रही हैं और सेकेंड वेव भी आ गई है, तो मुझे ये बताएँ कि आपके ख्याल से कि सर्दियों में ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा एज़ कम्पेयर टू समर? इस तरह है कि ये एक नया वायरस है Right. और इस पे तहकीक जारी है। mm-hmm. और तहकीक का एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है लेकिन mm-hmm. ज़्यादा टाइम लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। right. और ख़ासकर कोरोना की जो ख़ास बात है कि ये म्यूटेट करता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। अभी तक जो इसकी स्ट्रेन आई हैं सामने, जो चाइना में पहला वायरस था वो ईरान के वायरस से मुख्तलिफ है, ईरान का वायरस पाकिस्तान के वायरस से मुख्तलिफ है, यूरोप और अमेरिका में इसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन है, तो ये अपनी हैयत बदलता रहता है, म्यूटेट करता रहता है। इसलिए ये कहना कि ये गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा, गर्मियों में नहीं रहेगा, अभी कबल अज़ वक्त है। साइंसदान जो हैं वो क्या सराहियाँ कर सकते हैं, अजम्पशन की बुनियाद पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बात हतमी तौर पर कहना शायद कबल अज़ वक्त है। तहकीक इस पर जारी है और मेरे हाल में अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियतें दी हैं कि हम हर चीज़ पे काबू पा सकते हैं। माजी में भी हमने बहुत सी वबाई अमराज को और मोहलिक बीमारियों को काबू में लेकर आए। जो रिसेंट हमारे पास एग्जांपल है वो अबोला की है, सार्स की है, मिडल ईस्ट सिंड्रोम की है, सब चीज़ों पे काबू पा लिया गया। तो वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, हमें पूरी तवक्को है कि हम कोरोना भी काबू पा लेंगे। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम इंशाल्लाह। और जी पाकिस्तान की कौम तो बड़ी बहादुर कौम है और सबसे जो अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया है कि हर जगह पे SOPs को फॉलो किया जाए और सब लोग मास्क पहने। और इवन मैंने खुद भी देखा कि जब हम किसी शॉप पे अब जाते हैं तो सब ने मास्क पहना होता है। स्पेशली शॉप्स वालों के लिए भी ये कहा गया है, जो सेलर्स हैं, कि कोई भी बंदा मास्क के बगैर नज़र आएगा तो उसको जुर्माना कर दिया जाएगा। तो जी ये अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में भी कानून होने चाहिए ताकि चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और बहुत सी बुराइयों से, बहुत सी गलत चीज़ों से बचा जा सके और तभी हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। और जी बात हम कर रहे हैं अब सर चाइना के हवाले से, तो चाइना ने तो माशाल्लाह से काफ़ी कंट्रोल कर लिया इस वायरस पे, तो आप क्या समझते हैं कि कोई वैक्सीन्स मज़ीद आएंगी या सब मुल्कों को अपने लिए अलग अलग से
वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी इस वायरस को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि मैं इस मुल्क का वाहिद साइनोलॉजिस्ट हूँ, जी साइनोलॉजी का मतलब होता है अमूरे चीन, तो मेरे चीन के मामलों पे काफ़ी दस्तरस है, तो इसलिए ये बात मैं ज़रा एलेबोरेट करके बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वायरस जो है वो चीन में डिटेक्ट हुआ, वुहान उनका सिटी है वहाँ पे। उस वक्त दुनिया में किसी को नहीं पता था ये वायरस कैसा है, बिल्कुल कंटेजियस है या नहीं है, मौलिक है या नहीं है। तो चीन पे एक किस्म की एक नागानी आफत अटपकी थी, और चीन ने इंतहाई मेहनत करके उसकी हैयत को पहचाना, उस पर रिसर्च की, उसके मतलब मालूम इकट्ठी की, और उसकी बुनियाद पे उसे ख़त्म करने के लिए कोशिशें की। और अल्हम्दुलिल्लाह चीन वो वाहिद मुल्क है जहाँ कम से कम नुकसान पे बहुत जल्दी काबू पा लिया गया तकरीबन। बिल्कुल इसके मुकाबले में बाकी दुनिया में तकरीबन यूरोप और अमेरिका को 2 महीने का टाइम मिल गया था कि चीन जो रिसर्च कर रहा है वो उससे सीखे, जो चीन में हो रहा है उससे वो सबक हासिल करें और अपने मुल्क को बचा सके। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका ने खासकर और यूरोप ने कुछ मुल्कों ने बजाय इसके कि चीन के तजुर्बात से सीखता, उन्होंने चीन पे लानतान शुरू कर दी, चीन को ब्लेम करना शुरू कर दिया, चीन को बिल्कुल बैशिंग शुरू कर दी, और इस अपने आप को बचाने के बजाय गलत डायरेक्शन में चल पड़े। और जब उनके पास वायरस पहुंचा, उनके मुल्कों में वहाँ पहुंची, तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई। इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना पाया गया, बिल्कुल सबसे ज़्यादा ऐसा ही, मौत हुई, उसके बिल्कुल बाद ऐसा ही। इंडिया आता है, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा मौत हुई है। अब बात यह है कि चीन का क्या तजर्बा रहा, चीन ने एक कंप्रिहेंसिव लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि ये कंटेजियस है, फैलता है एक से सबसे दूसरे शख्स तक। तो जब लॉकडाउन हुआ तो कंट्रोल हो गया, जब ये लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, एसओपीज इंप्लीमेंट किए जाएंगे, तो यकीनी बात है इसके फैलाव में कमी आएगी, ये ख़त्म हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही अब है। जो है नेक्स्ट स्टेज में चीन गया हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मुझे पता है रिसर्च का जो प्रोसेस होता है बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। बिल्कुल फिर जो रिसर्च होती है खासकर मेडिसिन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, उनके टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पहले एनिमल्स में टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग पे करते हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। गो के इस वक्त तक बहुत से मुल्कों ने ये दावा किया है उन्होंने वैक्सीन बना ली है, चीन ने भी कहा है वैक्सीन बना लिया है, रशिया ने भी कहा है, और मुल्कों ने भी कहा है। जी नाज़रीन, आपके साथ बात कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से भी कि क्या इसकी वैक्सीन पाकिस्तान बना सकेगा। और जी आपके साथ फिज़िकल थेरेपी की बात हो रही है आपके सेहत के हवाले से। और इस वक्त टाइम हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम कहते हैं सुबह बहर पाकिस्तान मॉर्निंग शो पर, और आपकी मेज़बान आयथान आपके साथ मौजूद हैं। और जी लोग अपनी डाइट के बारे में बहुत सारे कॉन्शियस भी हो गए हैं और काफ़ी सारा ख्याल भी रखते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। अब बड़ी तब्दीली देखने में आई है कि लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखना शुरू हो गए हैं, अपनी सेहत से प्यार करना शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि जब आप अपने आप को सेल्फ लविंग करते हैं तभी आप दूसरों के लिए भी कारामद साबित हो सकते हैं, यानी कि जो आपके प्यारे आपसे जुड़े होते हैं। यकीनन अगर आप की सेहत अच्छी रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है, तो वो भी खुश रहते हैं। और फ्राइडे के बाद अब वीकेंड शुरू हो रहा है, तो यकीनन वीकेंड पे कुछ अच्छा सा प्लान करें और कहीं अच्छी सी ट्रिप पर जाएं ताकि आप फ्रेश फील करें, बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोग जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए हैं, और क्योंकि अभी फिर से देखने में आ रहा है कि जी फिर से प्रिकॉशंस शुरू हो गई हैं, सेकेंड वेव आ रही है, तो अभी पिछली जो सूरत हाल थी वो बेहतर नहीं हुई थी और फिर से ये सूरत हाल देखने में आ रही है। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है बैलेंस रखें, कि स्ट्रेस आप पे हावी ना हो, और आइसोलेटेड लाइफ जो है उसे बचने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखें बाय लोगों के साथ, लेकिन परहेज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। और जी अगर आप किसी होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए या बाहर जा रहे हैं किसी पिकनिक के लिए, तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस लाजमी रखें।
क्योंकि जब से लॉकडाउन के बाद होटल्स वगैरह खुले हैं तो बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे देखने को मिलता है कि लोगों की बेशुमार गैदरिंग बैठी होती है और वो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल जो है लाजमी रखें, और बल्कि एक छोटा सा सैनिटाइज़र जो है वो अपने बैग में रखें या अपने साथ जो भी आपने कैरी किया होता है गाड़ी के अंदर रख लें और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जी डॉक्टर साहब आप बताइए मुझे कि आपकी स्पेशलिटी किन चीज़ों में है, आप कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको बेस्ट डील करते हैं। वैसे तो तमाम चीज़ों को ही हम डील करते हैं, मस्कुलर चीज़ों को, लेकिन जो मेन मेरी स्पेशलिटी है वो आती है कमर के दर्द के साथ और शैटिका के साथ। तो इसमें यह है कि कमर का दर्द और शैटिका, ये भी दोनों जो हैं डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ कमर का दर्द आपको आ रहा है, तो कमर का दर्द जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट तक रहता है। शैटिका क्या है ये हमारे नाज़रीन को बताइए। शैटिका जो है, शैटिक इज इटसेल्फ अ नर्व, ये एक नर्व है, और इसका इस नर्व का कंप्रेशन जब आता है, वो कंप्रेशन जो है आपका कमर के मोरों से आता है। जब कमर के मोरों से ये नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो ये आपका एक शार्प पेन जो है आपके बटक से बैक ऑफ द थाई एंड टूवर्ड योर फीट, जिसमें आपका थंब जो है वो सुन्न हो जाता है, या ठंडा पैर आपका ठंडा पड़ जाता है। फिर अगर आप इसके बहुत सिवियर सिम्टम्स में उसको कहें, तो उसमें पेशेंट जो है उसकी टांग आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाती है, उसकी जो मोबिलिटी है, उसका मूवमेंट, वो जो पेशेंट होता है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट उसका लाइफस्टाइल होता है, वो किसी पर डिपेंड करने लग जाता है। उसने जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो उसको इतना सिवियर पेन होता है कि वो शैटिका जो है उसको मतलब शैटिका जो है वो टांग का दर्द है, टांग का दर्द, तो जो इसकी शैटिक वजह नर्व है क्या है, एक्चुअली, इसकी वजूहात क्या है, ये होता क्यों है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात आजकल का हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल जिसके अंदर हमारी कोई मूवमेंट है ही नहीं। सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर खाना खाना, सो जाना, और इसी को रिपीट 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 आप इसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल, आप जब ऑफिस जाते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि जो लोग, कुछ लोगों के ऑफिस जो हैं वो 20 मिनट्स की ड्राइव है या 20 किलोमीटर्स की ड्राइव पर वो जाते हैं, और वो प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग होती है, फिर वो वहाँ पे भी बैठते हैं, पीछे कुशन का यूज़ ना करना, कुशन नहीं रखते। उसके बाद आपका जो एक बहुत बड़ा जो एक आजकल अलमिया है, वो जो लोगों, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली मेल्स पेशेंट जो हैं, मेल पेशेंट में ये होता है कि वो जो वॉलेट होता है, वॉलेट अपना आप बैक पॉकेट में डालते हैं। जब आप वॉलेट को बैक पॉकेट में डालते हैं, तो उससे आपका पूरा पोस्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको उनको एक घर वाले बताते हैं कि यार आपकी तो, आप तो बिल्कुल एक साइड पे टिल्ट कर रही है आपकी बॉडी, तो आपके साथ हो क्या रहा है? तो उसकी जो मेन कॉज होता है वो, जब आप वो एक मोटा पर्स जो है वो आप अपनी बैक पर रखते हैं उसको, और फिर आप प्रोलॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं या जहाँ पर भी बैठते हैं, तो वो एक साइड से आपका पेल्विस जो है वो टिल्ट होता रहता है। बिल्कुल, और अब तो ऐसे बहुत सारे कुशंस भी हैं जो आप गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके नेक पे भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे रखने के लिए भी पिलो होता है जो कि आप अपनी गाड़ी की सीट के साथ उसको अटैच कर सकते हैं, और बैक कुशन भी रखें अपनी स्पोर्ट के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या दफ्तर में बैठते हैं तो वहाँ पर ये मसला हो जाता है कि आपको कमर का दर्द निकल आता है, और कमर का दर्द सच में बहुत बुरा होता है, और एक बार निकल आए तो फिर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से अगर आपके ऐसे कोई मसाइल हैं, सिटिंग पोस्ट जो है वो अपना जो है बिल्कुल सही रखें, जब आप बैठते हैं तो कमर सीधी करके बैठें, ताकि जो लोग झुक के बैठते हैं वहां पर जो है ना दर्द का मसला निकल आता है। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए आपके क्या एग्जाइटी का डिप्रेशन का कोई ताल्लुक है कमर दर्द से। बिल्कुल, जो रिसेंट रिसर्चेज आई हैं, बल्कि आप इनको रिसेंट तो नहीं कहना चाहिए, इट वाज अबाउट 2015 एंड 16, इसके अंदर जो रिसर्चेज आई हैं उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो डिप्रेशन एंगजाइटी से भी कमर का दर्द का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसमें आपके हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि आपके मसल्स को इनवॉलंटरली टाइट कर देते हैं। जब आपके मसल्स कमर के टाइट हो जाते हैं, ना सिर्फ आपके कमर के मसल्स, आपके गर्दन के मसल्स, आपकी टांगों में दर्द चला जाना, आपके सर में दर्द होना, हर वक्त आपके एक अजीब सी एक कैफियत आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिससे जो डिप्रेशन और एंगजाइटी से होती है, तो उनका मेन इसी का एक फैक्टर ये भी आता है कि आपके कमर का दर्द भी शुरू हो जाता है। ना सिर्फ एंगजाइटी, बल्कि आज तो अभी तो एक नई रिसर्च के मुताबिक जो स्मोकिंग है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो जाता है, आपके आर्टरी डिजीज आ जाते हैं, या स्मोकिंग से माउथ कैंसर हो जाता है। स्मोकिंग भी बड़ा एक मेन फैक्टर है आपका कमर के दर्द के लिए, जिसको आजकल इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स में निकोटीन की वजह से, निकोटीन इज इटसेल्फ अ बोन किलर। तो जब निकोटीन ये आप, स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान आता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं आज के अखबार में पढ़ी थी कि खवातीन में भी जो है ना स्मोकिंग का जो है ना रवाज सा निकला है, या क्या आदत सी, बुरी आदत जो है वो फैलनी शुरू हो गई है। तो
तो मुझे ये बताएं कि ये स्मोकिंग के क्या-क्या नुकसान आते हैं। देखिए स्मोकिंग तो इटसेल्फ है ही नुकसानदेह, वो हाँ, उसके क्या अंदर मतलब तो इसका डिप्रेशन या स्ट्रेस से कोई ताल्लुक है? क्योंकि हम जब अपने यंगस्टर्स को देखते हैं तो वो खासे डिप्रेशन में और मायूस नजर आते हैं। नहीं, स्मोकिंग का इटसेल्फ मतलब डिप्रेशन या उसे नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है कि आप सिगरेट पियेंगे तो आप सिगरेट यूज़ करें तो जी आपके ये डिप्रेशन या एग्जाइटी, हम उसके हमें बहुत डिप्रेशन है तो इसलिए हम सिगरेट जो है वो स्मोक करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिगरेट का आपकी लो बैक पेन से बहुत गहरा ताल्लुक है। सिगरेट स्मोकिंग से आपके जो जो आपकी जो बोन की डिजेनरेशन है, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स और जो कुछ रिक्वायर्ड होते हैं एक नरिश्ड आपकी वर्टिब्राज के लिए वो नहीं बन पाते, क्योंकि सिगरेट जो है उसको रोक देती है ये तमाम जो है न्यूट्रिशन को उसको प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल जी। और हमारे साथ जमीर अवान साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे थे वायरस के हवाले से। तो क्योंकि सब मुल्कों में वायरस का जो एक इकसाम है वो मुख्तलिफ है, कहीं पे शिद्दत ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं, कहीं पर कम हो रहे हैं, और हर मुल्क का अपना हिसाब किताब है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर में अपनी वैक्सीन बना सकेगा? पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है बड़ी स्ट्रांग है, खासकर 2002 के बाद जब से HEC बना, डॉक्टर अताउर्रहमान मिनिस्टर बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, बाद में हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन बने, तो हमारा रिसर्च कल्चर बहुत बेहतर हुआ, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ, रिसर्च के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत बेहतर हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रिसर्च अब काफ़ी बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आइडियल है या परफेक्ट है, देर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन कम अज़ कम वी आर मूविंग टूवर्ड द राइट डायरेक्शन। तो इसके तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत से इदारे ऐसे हैं जो ड्रग्स पे रिसर्च करते हैं, जिसमें जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है वो HEJ कराची यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है, और इसके अलावा भी हमारा लाहौर में कैम्प है, उनमें भी काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में, निबजी के नाम से है, उसमें हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पे हमारी रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान में भी ड्रग्स पे भी हो रही है और कोरोना आने के बाद वैक्सीन पे भी रिसर्च हो रही है। अभी चीन के साथ हमारा एक मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल है वो चाइना की वैक्सीन को वहाँ पर ट्रायल और टेस्ट कर रहा है, और हम अपनी वैक्सीन की तरफ भी रिसर्च कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ चल रहे हैं, जो हमारा रोल हम प्ले कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपसे बात हो रही है कि वायरस की क्या वैक्सीन बन सकेगी, और फ्यूचर में कहाँ देखा जा रहा है कि क्या सर्दियों में ये वायरस जो है कंट्रोल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। टाइम हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और हमारे साथ हमें डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, और उनके साथ प्रोफेसर जमीर अवान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात कर रहे थे जी पाकिस्तान में क्या वैक्सीन बन सकेगी कोरोना वायरस की, और जी हम उधर से कंटिन्यू करेंगे कि आप बता रहे थे कि जी इसकी वैक्सीन पे जो है काम हो रहा है, तो बताएं कि कब तक जो है चांसेस हैं कि इसकी वैक्सीन आ जाए? मेरे ख्याल में हम उस पर रिसर्च तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा माजी का तजर्बा रहा है कि हम अपनी कोई ड्रग फार्मूलेशन में कामयाब नहीं हुए, तो मैं वैक्सीन के हवाले से भी कोई बहुत बड़े दावे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बेसिक रिसर्च हम अच्छी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, एडवांस है, और उनकी रिकॉग्निशन भी हमसे बेहतर है, तो ये मुमकिन है कि हम किसी एडवांस मुल्क से, खासकर चाइना से, कोलेब्रेशन करके कोई चीज़ बना लें और उसे मार्केट में लेकर भी आ जाए। अपनी इंडिपेंडेंट वैक्सीन बनाना थोड़ा सा अभी कबल अज वक्त होगा, ज़रा मुश्किल काम होगा। जी नाज़रीन, आपसे बात करें फिज़िकल थेरेपी के हवाले से, और डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि शैटिका क्या है, जो आपकी कमर से निकलता हुआ दर्द आपकी टांग तक जाता है उसे शैटिका कहते हैं, और वजूहात क्या हैं, आपकी डाइट अच्छी ना होना। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे जो शैटिका है वो किस एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है? शेटिका जो है आजकल जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो तो बहुत यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं। वैसे पहले तो ये होता था कि पेशेंट जो हैं वो अबव 50, आफ्टर 50s जो हैं ये शेटिका जो है उनको होती थी, लेकिन आज तक आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल इतना सिडेंटरी हो चुका है, लाइफस्टाइल के अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पेशेंट जो हैं वो अबाउट 18 to 25 years, 18 to 30 years के पेशेंट्स भी आते हैं जिनको जो कि शेटिका पॉजिटिव होते हैं, ये
और इसकी मेन वजह जो अभी तक हमने जो कंक्लूड किया है वो यही किया है कि ये जो जितना भी हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हम कर रहे, हम अपनी लाइफ को जो है वो बिल्कुल सिंपल, हम लोग बस काम करते हैं, घर आ जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ना कोई गेम खेलते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक मोबाइल जो आजकल आ गए हैं, मोबाइल्स के अंदर आप हर वक्त आप नीचे देख के और उसको यूज़ करते रहते हैं, उससे शैटिका के साथ आपके सर्वाइकल के इश्यूज़ भी आ रहे हैं, नेक प्रॉब्लम उसमें, तो इसके बेहतर जो है अगर हम शैटिका की इसके अंदर हम बात करते हैं तो जनरली तमाम पॉपुलेशन इसके अंदर हम ऐड ऑन कर लेते हैं। जो ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है कि उनकी डिस्क जो है, कमर की जो डिस्क है वो डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसमें ये फिजिकल थेरेपी किस हद तक मददगार साबित होती है? देखें, डिस्क स्लिप होना तो शैटिका का जो ये डिस्क स्लिप में डिस्क बल्ज होता था, डिस्क हर्निएशन आ जाती है, डिस्क डिहाइड्रेशन आ जाती है, इसमें आप जब ये पेशेंट को ये मसला आता है तो ये एक दम से नहीं आता, ऐसा नहीं है कि आप रात सो रहे थे और आप सुबह उठे हैं तो आपको पता चला कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप करता है, ये प्रोग्रेशन इसकी आती है। अगर आप बात करें इसमें, अगर एक पेशेंट है उसको पेन हो रहा है कमर में, उसको सिंपली अगर कमर में दर्द हो रहा था तो आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने उसको पूरा साल बर्दाश्त कर लिया, उसको आप लेके अपने साथ चलते रहे, तो ये शैटिका में डेवलप होता है। जी नाजरीन, आपके साथ बात करें कि फिजिकल थेरेपी आपके लिए किस हद तक मददगार साबित है। और जी हमें डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्रोफेसर जमीर अवान साहब ने, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है। हम अपने दोनों गेस्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम हो गया है और आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी हाल में हैं आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने अंदर सेटिस्फाइड रहें, आप अपने अंदर मुतमिन रहें, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, तो इंसान को हमेशा बहादुर होना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और यकीन जानिए, जो इंसान सब्र रखता है यकीनन एक दिन उसको उसके सब्र का फल मिलता है। इसी अच्छी सी बात के साथ अपनी मेज़बान आयत खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल के शो पर आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।